सीरियल अनुपमा में जहां श्रुति को गोली लगने के बाद वह अस्पताल में होती है, तो वहीं अनुपमा अपने आप को दोष दे रही होती है। और जब वह श्रुति से मिलने जाती है तो वहां आध्या आ जाती है, जो उन्हें धमकी देती है कि उसे अगर श्रुति को कुछ हुआ तो वह भी मर जाएगी और उसकी जिम्मेदार अनुपमा होगी। यह सुनकर अनुपमा को झटका लगता है। तो वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग परेशान होते हैं। न्यूज़ सुनकर तो वही वनराज हमेशा की तरह बोलता है कि अनुपमा कभी श्रुति और अनुज की शादी होने ही नहीं देगी, वह हमेशा उनके बीच में रहेगी, और अनुपमा को बुरा भला बोलता है। तो वहीं बापूजी अनुपमा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां आध्या को नींद आती है और आध्या गिरने वाली होती है। अनुपमा उसे सहारा देती है और आध्या अनुपमा की गोद में ही सो जाती है। तो मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां अनुज से कोई मिलने आने वाला है, वह एक लड़का प्रतीक होता है, जहां काव्या को वनराज पर शक हो जाता है। तो वही वनराज प्रतीक को डिंपल से मिलवाता है और सभी घरवालों से मिलवाता है, जहां प्रतीक के जाते ही काव्या बोलती है कि वह डिंपल और प्रतीक की शादी करवाना चाहता है। यह सुनकर बा और बापूजी शोक रह जाते हैं, जहां वनराज कहता है कि यह सच है, पर काव्या उसे धमकी देती है कि वह शादी नहीं होने देगी, पर वनराज नहीं मानता। तो वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां अनुज को अस्पताल से कॉल आता है। आध्या और अनुज हॉस्पिटल आते हैं। अस्पताल में आकर देखते हैं कि श्रुति को होश आ गया है, जिसे देखकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। तो वहीं अनुपमा अपनी रिकमेंडेशन के लिए जसदीप करके घर गई है।